राम जी प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज पटना में वैश्विक चेतना समिति की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू ने कहा कि जो बीते विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें वैश्य समाज का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है। सबसे अधिक विधायक हमारे वैश्य समाज से ही हुए हुए, तो वही मैं मांग करता हूं कि आने वाला जो मुख्यमंत्री बने वो वैश्य समाज से ही प्रतिनिधित्व करें। तो वही साथ ही वैश्य समाज का उद्देश्य है कि सभी समाज को मिलाकर चले और समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा बनाने का काम करें। तो इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। अभी जो बिहार विधानसभा 20 का चुनाव हुआ उसमें सभी दलों से हम लोगों ने आग्रह किया था कि वैश्यों की आबादी 30% है और हम लोग को आबादी के अनुसार जगह मिलनी चाहिए। मैंने नारा दिया था, जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार नहीं बनेगी उसकी सरकार, यानी उनका बंटाधार होगा। इस क्रम में आगे मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा ने मुझे 16 दिया, उसमें 15 जीते, एक जो हारे भी तो मात्र 480 वोट से कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र हारे हैं, केदार जी हमारे वहाँ से उम्मीदवार थे। इसके बाद जो स्ट्राइक रेट मेरा हुआ आप कैलकुलेट कर लेंगे, 94% हुआ। अन्य लोग जो जिनको टिकट दिया गया उनका यहाँ लिखा हुआ है, बस सभी का सभी जीते। भाजपा का यहाँ डाटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ, राजपूत का स्ट्राइक रेट 50% है, अन्य का बहुत ही पुअर है। तो इस तरह से आम बिहार के वासी जो हैं, बिहार की जनता जो है, उनको वैश्यों के प्रति आस्था है, उनको ऐसा लगता है कि वैश्य के हाथ में यदि सत्ता जाती है तो सारा बिहार अमन चैन से जी सकेगा और बिहार सुरक्षित रहेगा। इसलिए जो भी हमारे वैश्य लड़े NDAPA मिला करके कुल 33 जगह पर हमको जगह मिला था, उसमें हमने 24 जगह जीता, वहाँ भी मेरा स्ट्राइक रेट हाई रहा है, हम लोग की हार नहीं हुई है। चाहे जो पार्टी हारे उसकी अलग बात है। माननीय नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है तो माननीय नीतीश कुमार के प्रति लोगों ने अपना अविश्वास व्यक्त किया है और उनका जो वैश्य का भी उनके प्रति रुझान घटा, क्योंकि हमारी आबादी के अनुसार बहुत कम, मात्र 3 सीट दिए थे, एक ही सीट मेरा निकला। आम वैश्य के दिल से नीतीश कुमार जी उतर गए। इसलिए NDA के नेतागण से भारतीय जनता पार्टी के अध्ययन के दूसरे दिन अभिनंदन समारोह उनका करूंगा और उनको इस संस्था के माध्यम से नसीहत और समाज के नाते उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि वो सभी के लिए काम करें और यह राज्य और राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करें, अब व्यक्तिगत हित में कार्य नहीं करें, इसके लिए उनसे आग्रह किया जाएगा और संस्था के तरफ से उनको एक तरफ से निर्देश भी जाएगा। आपके समाज को पूरे देश में और भी समाज के लोगों को सुविधा देने के लिए या देश में जहाँ जहाँ आपके समाज के लोग हैं उन लोगों को सुविधा देने के लिए आप इन विधायकों से क्या उम्मीद करते हैं? इन विधायकों से अपने क्षेत्र में ही उम्मीद रखते हैं, देश के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। देश के लिए संस्था काम कर रही है, पूरे देश के लिए, ये अपने क्षेत्र में कार्य करें। हमारे लोगों पर जो अत्याचार होता है, दोहन होता है, शोषण होता है, लूट होता है, बलात्कार होता है, वो बिहार में रोकें। बिहार में कहीं कोई घटनाएं होती हैं उसके लिए ध्यान दें, बिहार से बाहर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए यह वैश्य चेतना समिति ऑल इंडिया पर रजिस्टर्ड है, भारत पूरे भारत के लिए यह सक्षम है, अन्य जगह के लिए अपना दिशा निर्देश अलग से जारी करेगी और वो बिहार के विकास पर, बिहार पर वैश्यों को जो शोषण मुक्त बनाने के लिए, वैश्य हमारे मेहनती होते हैं,
इनका जिस समय शोषण रुक जाएगा, इनका लूट रुक जाएगा, ये विकसित किस प्रकार का शोषण हो रहा है जिक्र कीजिए। हाँ, शोषण इस प्रकार का हो रहा है कि इन्हें जो भी पुलिस पदाधिकारी होते हैं दुकान में पहुंच जाते हैं, ये अवैध हो रहा है, वो अवैध हो रहा है, उनका सब कागज पत्र चेक करना होगा, तो वैश्यों का कागज पत्र चेक किया जाता है, दूसरे लोगों का नहीं चेक किया जाता है, और गलत ढंग से उनको जहां उनका अधिकार क्षेत्र नहीं होता है फिर भी वहां जबरन जा करके उनके साथ ये करते हैं और उनके साथ चाहते हैं कि कुछ अवैध वसूली करें। साथ ही साथ उनकी हत्या जो होती है, वैश्यों की हत्या, आप डाटा उठा के देख लेंगे, लगातार वैश्यों की हत्या होती है, वहाँ पर जो है सत्ता चुपचाप रह जाती है। हम चाहेंगे कि जब वैश्यों की हत्या हो, वैश्यों के साथ बलात्कार हो, वैश्यों की लूट हो, धमकी हो, अपहरण हो, तो वहाँ हमारे वैश्य विधायक जो हैं उसके लिए आवाज़ उठावें, जरूरत पड़े तो विधानसभा से वह त्याग पत्र दें और मैदान में आए। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। आप